गीता जी कितना निर्णायक ज्ञान दे रहे हैं। और ये अज्ञानी कृष्ण जी के पुजारी, कृष्ण ही तत्व है, कृष्ण ही परमात्मा है, यही पूर्ण ब्रह्म है, ये ना अखिल ब्रह्मांड का स्वामी है। अब इससे स्पष्ट हो रहा है ये कितना स्वामी है। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डार, तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। अब गीता जी क्या बता रही है, और गीता मनी सीख है ये अपने आप को, गीता जी का ज्ञान कहें, और नाम जप हरे राम हरे कृष्ण राधे राधे श्री राधे। अब देखो पुणात्मा थोड़ी सी और कितनी बात बिगाड़ रहे हैं। अब श्री कृष्ण जी के पाने के लिए राधा जी का सहयोग लेते हैं ये, और कृष्ण जी से पहले राधा का नाम ले श्री राधे। अब राधा कौन थी, राधा श्री कृष्ण जी की प्रेमिका थी, इन्हीं के शब्दों में। अब कोई मान ले किसी लड़के ने या लड़की ने अपना विवाह की तैयारी कर रखी हो, और उसका मित्र आके उसके सामने, अपने मित्र के सामने, और उसकी होने वाली भावी पत्नी को का नाम ले, उसी में दीक्षा रख है, तो मित्र का काम कर रहा है शत्रु का। अब इनसे कोई पूछा नहीं, कहे श्री कृष्ण से पहले राधे को याद करना पड़ेगा, तब कृष्ण प्रसन्न होगा, कृष्ण तो जूत मारेगा थर है। अब प्रसन्न करता है कि आपका इष्ट देव कौन है, तो कृष्ण भगत कहे राधे श्री राधे श्री राधे। पहले राधे ने कति कसक के साथ बोल के फिर नो कहा अखिल ब्रह्मांड का नायक पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण हमारा इष्ट है। अब इस प्रकार के व्यवहार से श्री कृष्ण प्रसन्न होगा या प्रसन्न, अंडरस्टूड है, गणा कहने की जरूरत को नहीं। तो अब यहां पुण्यात्मा इन्होंने गीता जी को समझा नहीं, गीता जी में केवल एक ओम नाम है, दूसरा जाप नहीं, तो गीता ज्ञान दाता का ही स्मरण करना है तो, और ये समझ कर रहा है कि नहीं, उस परम अक्षर ब्रह्म को पाने से तेरा पूर्ण मोक्ष होगा, जन्म मृत्यु का रोग सदा के लिए समाप्त होगा, उसके मंत्र की जानकारी, उसकी विधि तत्वदर्शी संत ही बताएगा।